Welcome back to Live Wire Transmission. I'm your host, Tarique. Now it's time to discuss agriculture issues. नाज़रीन, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर बहुत तकलीफ़ में आ गई है. टोटल हमारे पास चार क्रॉप्स हैं, उसमें से दो क्रॉप जो है उसमें हम अनवाइबल हो गए. इंटरनेशनल मार्केट से हमारी कॉस्ट कहीं ज़्यादा हो गई और हम फंस गए हैं. चीनी की कीमत कुछ दिन पहले तक $570 पर टन थी और उस वक्त हमारे पास सरप्लस था, हमें इसको एक्सपोर्ट करने का एक मौका था, लेकिन गवर्नमेंट कोई फैसला नहीं कर पाई और वो चीनी एक्सपोर्ट नहीं हुआ. वो उस ज़माने में मिल मालकान तैयार थे कि विदाउट एनी सब्सिडी भी वो एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं लिया वक्त पे. और अब जो है चीनी की कीमत घट के हो गई है $370, यानी 37 रुपये के जी दुनिया भर में चीनी मिल रहा है और अब हम बेच ही नहीं सकते अनलेस के 20 रुपये की सब्सिडी ना दी जाए. इसी तरह गंदम, जो कि जाहिर है बहुत बड़ा हमारा आइटम, 27 मिलियन टन की प्रोडक्शन होती है, अगली प्रोडक्शन की प्रोजेक्शन आ रही है इससे भी बेहतर. इसी तरह चीनी की भी जो अगली प्रोजेक्शन आ रही है वो भी पिछले फसल से ज़्यादा की आ रही है. वहाँ भी यही सिचुएशन है कि गवर्नमेंट 33 रुपये पे गवर्नमेंट प्रिक्योर करती है गंदम फ्रॉम बिग फार्मर्स टू द एक्सटेंड ऑफ 7 मिलियन, जिसके लिए स्टेट बैंक हर साल, ये जो प्रोक्योरमेंट कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, उनको 300 से 500 बिलियन के नोट छाप के देती है फ्रेश कि आप इससे गंदम ख़रीद लें 7 मिलियन टन और उसके बाद इसको जब आप बेचेंगे तो स्टेट बैंक को वापस कर देंगे. लेकिन देखा ये गया है कि हर साल जो पैसे प्रिंट होके मिलते हैं वो पूरे वापस नहीं जाते, क्योंकि अच्छा खासा ये जो प्रोक्योर होता है उसमें से हिस्सा ज़ाया हो जाता है, उस पर चूहा खा जाता है, बारिश से भींग जाता है, क्योंकि ये जो सो कॉल्ड प्रोक्योरमेंट एजेंसीज़ हैं इनके पास स्टोरेज के फैसिलिटीज़ नहीं हैं. तो अब सवाल ये है कि अगर गंदम की कीमत $170 की हो गई पूरे दुनिया में और हम $330 पे ले रहे हैं गवर्नमेंट वाले, तो कैसे एक्सपोर्ट हो सकता है? सरप्लस व्हीट भी हमारे पास पड़ा है, सरप्लस शुगर भी पड़ा, अब ये दोनों का एक्सपोर्ट इम्पॉसिबल हो गया बिकॉज ऑफ दी डिक्लाइन ऑफ दिस प्राइजेज ऑफ दिस आइटम्स इंटरनेशनली, जबकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट इज़ वेरी वेरी हाई. इस सिलसिले में बात करने के लिए अंजुम इकबाल वारसी साहब को दावत दी है, जो कि लीडिंग एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है. वारसी साहब, वेलकम टू शो सर. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम खान साहब, ईद मुबारक आपको भी, आपको भी, आपके चैनल को भी और आपके पैनल को भी. थैंक्स थैंक्स. वारसी साहब, चीनी की कीमत नीचे आ गई, गंदम की कीमत नीचे आ गई एंड वी आर सिटिंग ऑन ए सरप्लस स्टॉक, अब इसका क्या किया जाए? हेलो जी 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 चीनी जब एक्सपोर्ट करने का मौका था, जब 570 की थी उस वक्त हमने की नहीं, और आप कहते हैं कि 370 की चीनी हो गई है. हमारे मिलर्स कहते हैं कि जब तक 20 रुपये की सब्सिडी ना दी जाए वो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते. इसी तरह गंदम भी नीचे आ गया, 170 वाला का हो गया और हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है 330 है शायद. तो क्या किया जाएगा सरप्लस व्हीट का और सरप्लस शुगर का? खान साहब, इसके जैसा आपने पहले भी इसको हाईलाइट किया था आपके पिछले प्रोग्राम्स में भी आप देखें, तो यही फिक्र थी सबको कि भाई इसका कुछ ना कुछ इलाज होगा, क्योंकि वी कांट कीप इट, स्टोरेज है नहीं और प्राइसेस, प्रोडक्शन हमारी क्योंकि ज़्यादा है, प्रोड्यूसिंग कॉस्ट ज़्यादा है, हम कम्पीट नहीं कर पा रहे. अब आपको सब्सिडी के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, यू सिंपली हैव टू डू दैट. अब प्रॉब्लम दूसरी तरह से जो आ रही है, विच इज़ अ हॉट टॉपिक दो दिन के, इन द लास्ट टू डेज, द सी पैक, जिसमें आपने हाईलाइट किया था कि भाई ये तो यू नो समथिंग गुड फॉर पाकिस्तान, नो डिस्प्यूट के एक डेवलपमेंट आ रही है, मगर उसके फिगर्स कुछ निकल के आए हैं खान साहब, पता नहीं आपकी नज़रों से गुजरे या नहीं, मगर 91% प्रॉफिट जो है वो चाइनीज को जाएगा, 9% आपके पास आ रहा है. आपको वो लोन दे के आपसे रोड बनवा रहे हैं और जब रोड बन जाएंगे तो वो अपना गुड्स थ्रू गवादर एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपको एक
इनडायरेक्ट इफेक्ट आपकी आपकी इंडस्ट्री पे आ रहा है. उसमें टेक्सटाइल भी शामिल है जिसका जिक्र आप करते रहते हैं और जिस जो मुसीबत डिफिकल्टीज में आया हुआ है. ये जो आपने फिगर बताया ये तो बहुत ही वरीसम है, यानी हमें ठीक ठाक बेवकूफ़ बनाया गया. ये उठा के उन्होंने इतना महंगा कर्जा हमें बिल्कुल दे दिया और सो कॉल्ड गवादर पोर्ट और गवादर पोर्ट के लिए रास्ता बनाने पे खर्च कर देंगे वो पैसे. लेकिन मेरा सवाल ये है कि 1980s में हमने एक रोड बना दिया था काशगढ़ टू कराची जी, उस रोड से क्यों नहीं ये चाइनीज ने एक्सपोर्ट किया आज तक? क्यों गवादर के जरिए एक्सपोर्ट करेंगे? कोई इकोनॉमिक सेंस है? कोई लॉजिक बनती है कि 600 किलोमीटर दूर एक नया पोर्ट बनाया जाए, वहाँ से तो एक्सपोर्ट करें, लेकिन जो 30 साल से 40 साल से रोड तैयार है उससे आज तक एक कंटेनर भी नहीं भेजा आपने? जी बिल्कुल नहीं भेजा. इससे तो जाहिर होता है कि ये सारा हमें कर्जा पहनाने का एक तरीका था कि लो कर्जा लो, महंगे महंगा कर्जा ले लो. और चाइना के पास तो 3,000 बिलियन है, उसने 50 बिलियन अगर ये बेवकूफ़ मुल्क के ऊपर चढ़ा दिया है एट ए वेरी हाई रेट, तो उसको तो फायदा ही फायदा हो गया. खान साहब आप भी जैसे एक्सेप्ट करते हैं और आपने ये हाईलाइट भी किया हुआ है कि भाई कोई भी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर, जब वो लोन कोई देगा तो वो अपना प्रॉफिट भी तो देखेगा ना. तो उस वक्त तो उनको हरियाई नजर आ रही है एज फार एज द चाइनीज आर कंसर्न कि भाई ये चाइनीज हैव गॉट 3,000 बिलियन एंड दे आर उनका जो मीन रिटर्न आ रहा है इस वक्त पूरे दुनिया में, क्योंकि बॉन्ड रेट्स आपको पता है 0.25% ज़्यादा तो है नहीं कहीं पर. जी बिल्कुल. उनका मीन रिटर्न जो होगा 300 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा. और यहाँ आप बात करें इतने परसेंटेजेस का, इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट तो आज तक उन्होंने किया ही नहीं. अब देखिए ना, अब दूसरी जो कंपैरिजन मैंने इसमें से निकाली है वो ये है कि सीपैक एनर्जी प्रोजेक्ट $30 बिलियन की बात हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ ऑल टुगेदर 40 ईयर्स का. तो आप इमेजिन करें कि हमारा डेट बर्डन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा. और जो अब देखें इसके कंपैरिजन देखें कि अगर सोलर पावर जो कि इंडिया इस्तेमाल कर रहा है 4 सेंट में आ रहा है जी, आप कोल पावर को 8 सेंट में यूज कर रहे हैं. अब इसी को कंपेयर करें रोड, अब जाहिर है जब उनके गुड्स और इसमें पाकिस्तान में आज भी जो मेजॉरिटी आइटम्स हैं कंज्यूमर आइटम्स ये चाइनीज बने हुए आ रहे हैं, और ये चाइनीज के आइटम्स को लोकल पैकिंग के अंदर पैक करके बेचा जा रहा है, 99% या 91% शेयर जो है वो मार्केट उन्हीं की है. एंड दे आर द वंस हु आर लाफिंग कि भाई ये तो बिल्कुल ही हरियाई है. हम क्या कर रहे हैं कि लोन लेके और आप अपना बैलेंस ऑफ वो जो आपका आपका रिजर्व है उसको इम्प्रूव करके दिखा देते हैं कि जी ये वो विच इज नथिंग बट शोइंग अ वेरी ग्लास वेरी ब्यूटिफुली डन ग्लास विंडो जिसमें आपने ऐसा पेंट किया हुआ है कि जी बस ये है सब कुछ ठीक हो जाएगा. कुछ नहीं ठीक होगा. अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमीडिएटली ठीक हो कुछ. अच्छा सर, वापस मैं गंदुम पे आना चाहूँगा. गंदुम में जो अभी सिस्टम है कि 7 मिलियन टन पंजाब और सिंध गवर्नमेंट 33 रुपये पे ख़रीदती है बार दाना दे के जी, उसकी एक अभी गेस्ट आए थे खान साहब, उन्होंने एक तरीक़ाकार बताया कि दुनिया भर में ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर को कहा जाता है कि आप इतना रिज़र्व, जैसे 7 मिलियन मिसाल के तौर पे अगर आपकी वो सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रखना है गंदम तो जी, प्राइवेट सेक्टर खरीदे और गवर्नमेंट के गोडाउन में उसको रख दे. गवर्नमेंट को ये वो है कि जी इतनी गंदम पड़ा हुआ है हमारे पास, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इट कैन बी यूज्ड. तो दुनिया भर में ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर ही खरीद के रख देता है गवर्नमेंट के पास, उसमें गवर्नमेंट को रेंट मिलता है उस वेयर हाउस का और गवर्नमेंट की तरफ से कोई खर्चा नहीं होता. जैसा अभी आप जानते हैं कि स्टेट बैंक उनको छाप के देती है 300-400 बिलियन, उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर ये किया जाए, अगर खान साहब की बात मान ली जाए. वुड यू एग्री विद दैट? आई फुल्ली एग्री विद दैट सर, मगर अब वही बात हो रही है ना कि इस वक्त एक और जो प्रायोरिटीज़ में नहीं चल रही है इनके लिए, हमारे लिए प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे से मुराद आम आदमी की बात हो रही है जी. मगर आप अब उनको देखें जो डिसीशन मेकर्स हैं वो उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज पे चल रहे हैं उस वक्त. हाँ बिल्कुल, वो तो पता नहीं चल रहा कि वो क्या रहा है. ये 7 मिलियन खरीदते हैं एक तरह की ये पॉलिटिकल ब्राइब होती है टू द बिग फार्मर्स हु आर देयर नॉर्मल एमएनए एमपीएस. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो वो उनका एजेंडा है, आवाम की तरफ से
मुझे और आपको अल्लाह ने मौका दिया है कि हम आवाम की तरफ से बात कर सकते हैं, हम जी, करेंगे जी बिल्कुल, हम ये डिमांड करेंगे कि ये पूरा निज़ाम ख़त्म करो। 7 बिलियन गवर्नमेंट को ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेट बैंक से 300-400 बिलियन छपाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फूड सिक्योरिटी का मामला है वो प्राइवेट सेक्टर कैन प्रोवाइड, और आज के दौर में फूड सिक्योरिटी इज़ नॉट ए इशू बिकॉज इंटरनेशनली लॉट ऑफ वीट इज़ अवेलेबल। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, इट कैन बी बॉट एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। जी बिल्कुल सर बिल्कुल, ये अंग्रेज़ों के दौर में 1881 का फेमिन एक्ट के बाद ये मामला शुरू हुआ था, वो अब 1881 नहीं रहा, टाइम हैज़ मूव्ड। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कंट्रीब्यूशन का। एक एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो हेडिंग है इस आर्टिकल की हेडिंग है जिसमें से मैंने फिगर्स लिए, जी जी, वो कह रहे हैं कि जी गेम चेंजर नहीं है, इट्स अ गेम ओवर नाउ, गेम ओवर नाउ, गेम ओवर नाउ। उनको जितना कर्जा हम पे चढ़ाना था चढ़ा लिया जी, उनका यील्ड जो है ना 300 बेसिस पॉइंट से बढ़ के अब हो गया होगा 2% जी बिल्कुल, 200 बेसिस पॉइंट। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एग्रीकल्चर पे जो हमने डिस्कशन की, यहाँ पे देखिए क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरफ 65 बड़े बड़े शुगर मिल के मालकान हैं जो कि तमाम बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनका अपना मफाद है, उन्होंने चीनी के इंपोर्ट पे सख्ती लगाई हुई है, सिर्फ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन मंगा सकता है, प्लस 40-50% उस पर ड्यूटी लगाई हुई है, इसीलिए वो चीनी जिस कीमत पे भी चाहे पाकिस्तान में बेच रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में चीनी की कीमत काफ़ी नीचे आ चुकी है, जैसा कि आपको बताया गया 37 तो बहुत आसानी से मिल रहा है। इसी तरह गंदम जो है 17 रुपये का हो गया पूरे दुनिया में, उस लिहाज से आटा यहाँ का 20 का बिकना चाहिए, बिकता 50 का है, क्योंकि पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे 7 मिलियन टन गंदम गवर्नमेंट ख़रीदती है एट द रेट ऑफ 33 रुपीज़, और वही बेस बन जाता है 50 की तरफ जाने का। तो यहाँ पे कौम बिल्कुल आम आदमी के इंटरेस्ट में और हमारे जो इलीट पॉलिटिकल लोग हैं उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट है, और ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, आगे बढ़ेगा और पॉलिटिकल चेंज आएगा और ये सिस्टम बदलेगा। अवाम को हम अवेयर कर रहे हैं, अवाम को तैयार कर रहे हैं इसके लिए, उठ खड़े होने के लिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात को उठाना चाहिए जो अपने आप को अवाम दोस्त कहती हैं, जो नहीं उठाते समझ लीजिए कि वो भी उन्हीं लूटने वालों में शामिल हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।